सहारा इंडिया निवेशकों को पैसा, नई नियम जारी। सहारा इंडिया के निवेश को लेकर आए 5 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और अभी तक नहीं मिला है तो अब आपका पैसा हर हाल में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी अपडेट जो लोग सहारा इंडिया में पैसा रिफंड को लेकर अब ऑनलाइन आवेदन भी कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद आपका पैसा मिल जाएगा। साथ में सरकार के पाई पाई लौटाया के लिए आज घोषणा भी की गई है, लोकसभा से पहले पूरा पैसा लौटाया जाएगा या नहीं ये अभी आपको बताएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। जिन भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उन सभी लोगों के द्वारा लगातार फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है। अभी तक 3 करोड़ लोगों ने सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और ये क्लेम लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन सरकार के पास अभी मात्र 5,000 करोड़ सहकारिता मंत्रालय के पास है जो निवेशकों को रिफंड करना है। लेकिन इतने सारे फॉर्म को पैसा सरकार कहां से देगी? तो आप सभी को बता दें कि सेबी के पास भी करीब 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है, उसमें से भी पैसा दिया जाएगा। उसके बाद और भी जो पैसा बचा हुआ रहेगा वो सरकार अपने खाते से निवेशकों को भुगतान कर सकती है, क्योंकि अमित शाह के द्वारा कई बार ये कहा गया है कि एक एक पैसे को लौटाया जाएगा। अगर आप लोग भी सहारा इंडिया के निवेदक हैं, अभी तक आपका पैसा नहीं मिला है तो बताए गए तरीकों को अपने घर आसानी से अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा अभी तो क्या करना होगा, अगर मिलेगा तो कितने दिनों में मिलेगा, ये सब बताया गया है।